जी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कल वाले चैप्टर में कोई डाउट हो तो मैंने बोला था वो लोग बता देना, है ना। पर नहीं बताया मतलब ठीक है, क्लियर है ना। आज शाम में भी उसी के लिए टेस्ट रहेगा, है ना। आज दोनों चैप्टर का मिक्स टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, हम नया चैप्टर चालू करते हैं आज से। ये एक को और ज्वाइन हो जाने देते हैं आशीष को। वैशाली गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आज से अभी ये नया चैप्टर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है दीपा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। मैसेज जरूरी नहीं है। चलो ये नया चैप्टर है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना, कि कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे उपयोग में हमको कुछ चीजें का आजकल यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे अभी हमने तक क्या चीजें देखी थी, उसकी प्रोसेस देखी थी, कोई भी प्रिंसिपल वगैरह देखे थे, लेकिन अब हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है ना। तो सबसे पहले क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इसमें कुछ कुछ डिसाइडेड क्षेत्र है ना, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज में लाई जाती है ना। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव, है ना, कि हमको क्या करना है। जैसे सूक्ष्म जीव के लिए हमने बोला था कि वो अधिकतर कैसे रहते हैं यहाँ पर, रोग कारक रहते हैं ना, रोग होते हैं अधिकतर सूक्ष्म जीवों से, है ना। तो उनका रोग उत्पन्न करने के लक्षणों को नष्ट करके उनसे हम यहाँ पे उनका उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। उनसे किसी प्रकार के एंजाइम वगैरह बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर सकते हैं ना। दूसरी चीज है कि यहाँ पे उत्प्रेरक कार्य तो अभियांत्रिकी परिस्थितियां, है ना। उत्प्रेरक कार्य जैसे क्या चीज हो रही है, हमको कोई एंजाइम वगैरह बनाना है, किसी प्रकार की कोई प्रोटीन बनाना है, किसी प्रकार का कोई दूसरा रसायन वगैरह बनाना है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। तीसरी चीज, हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से क्या कर रहे हैं, प्रोटीन हो गए, कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियां, है ना, अनुवांशिकी में जीन जीन सीक्वेंसिंग, है ना, जैसे बीमारियों के परीक्षण के लिए हम एलाइजा टेस्ट हो गया, है ना, पीसीआर हो गया, मतलब पीसीआर तो जीन क्लोनिंग की टेक्निक होगी, तो ऐसे क्लोनिंग कर सकते हैं, है ना। मेडिकल में हम टेस्टों का टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, जैसे एलाइजा हो गया, है ना। सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे काम में आती है ना। मर्सी। ठीक है, यहाँ पर देखो बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग ब्रांच है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्रांतियां पढ़ी थी कि अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हो रही है, तो क्रांतियों में भी हमने जैसे हरित क्रांति देखी थी, नीली क्रांति देखी थी, सफेद क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति। तो यहाँ पर भी क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी है। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज हो रही है, हम जेनेटिक जो भी डिसीज वगैरह है उनकी पहचान, उनको ठीक करना, उनके लिए ड्रग वगैरह बनाना, उनके लिए एंटीबायोटिक्स बनाना, जेनेटिक डिसीजों को ठीक करने के लिए जो ब्रांच है या जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की, वो क्या कहलाती है यहाँ पे, रेड रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से, इसी को इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, कि हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम यहाँ पे कोई एंजाइम वगैरह, कोई पदार्थ वगैरह बना रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, तो ग्रीन से तो सभी लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर में यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड वगैरह बनाने के लिए, ज्यादा अच्छी फसलों, ज्यादा अच्छी नस्लों, कोई भी फसलों की अच्छी नस्लों के उत्पादन के लिए हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ना। अगली चीज आती है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ये चीज भी पता ही होना चाहिए, जैसे नीली क्रांति थी, यहाँ पर भी क्या चीज हो रही है, ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पर नीली है मतलब यहाँ एक्वा से रिलेटेड, जैसे पानी, है ना, मछली उत्पादन हो गया, मछली या जलीय जलीय जीव वगैरह हो गए, उनको अच्छे से डेवलप करना, उनके लिए अच्छे से संसाधन वगैरह बनाना, उनमें अच्छी जातियां वगैरह विकसित करने के लिए की जो फील्ड है वो क्या कहलाती है यहाँ पे, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है ना। ठीक है, फिर अभी सबसे पहली ब्रांच आ जाती है यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में। अच्छा, पहले कुछ चीज थोड़ी सी नोट करने वाली है, ये थोड़ी सी नोट करना है। 1960 से 1970,
1960 से 1970 के बीच में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की गई थी और इसका प्रयोग किया गया था, है ना। सबसे पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी में अगर मेन चीज पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो एंडोन्यूक्लियस, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उससे स्टार्ट हुई है। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, एक पॉलिंड्रोमिक डीएनए चाहिए था, है ना, या किसी भी वैक्टर वगैरह को काटने के लिए यहाँ पे हमको एंजाइम चाहिए थे। तो वो क्या थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे, जिसकी सहायता से हम यहाँ पे कोई भी अनुवांशिक पदार्थ को काट दे रहे थे, है ना। काट के हम उसके द्वारा उससे नए पदार्थ, नए पुनर्योगज या रिकम्बाइंड डीएनए बनाने में हमको हेल्प मिल रही थी, है ना। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना, 1960 से 1970 में पहला रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस खोजा गया और उसका प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद है 1972 से 73 के बीच में जीन क्लोनिंग, है ना, जीन क्लोनिंग स्टार्ट हुई। फिर पहला जीनोम लैम्डा फेज 174 का देखा गया सबसे पहला, ठीक है। लैम्डा फेज, लैम्डा फेज 174 का जीनोम सबसे पहले देखा गया। अगला 1985 में यहाँ पे पहला ट्रांसजेनिक फार्म बनाए गए, मतलब जंतु बनाए गए, खरगोश सुअर और भेड़, 1985 में। ठीक है, फिर 1997 में पहला स्तनधारी डॉली बनाया गया, पहला स्तनधारी डॉली जिसको कैसे बनाया गया, उसके ब्रेस्ट की सेल से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है मानव जीनोम परियोजना, 1990 में चालू हुई थी और 2003 में कंप्लीट हुई थी, जो हमने एचजीपी छठवें चैप्टर में जो पढ़ी थी, एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में चालू हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। सर रिपीट, एचजीपी 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुई थी। चलो, अब अगली चीज आ रही है यहाँ पे, जैसे कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में, है ना। तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले रसायनों पर आधारित कृषि स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमने केमिकल वगैरह बनाना चालू किया था। दूसरी चीज, जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया गया, है ना, जैसे जो जैव कीटनाशी वगैरह बनाने लगे, उन्नत किस्म की खाद वगैरह बनाने लगे, है ना, तो जैविक चीजों का यहाँ पर यूज होने लगा। तीसरी चीज आती है अनुवांशिक अभियांत्रिक फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब अनुवांशिक रूप से रूपांतरित करी हुई फसलों का उपयोग किया जाने लगा, या विकसित की गई अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, जिनसे हमको हमारी इच्छित हमारा जो भी डिजायर वाला जो लक्षण हो रहा था, जिस तरह का भी हमको उत्पादन चाहिए था, जिस तरह के हमको फसल चाहिए था, वो ही जीन को प्रतिस्थापित करके हमने वो वाले यहाँ पे पौधों को विकसित किया और उससे हमारा जो डिजायर वाला जीन, मतलब जो फसल था या जो प्रोडक्ट था, वो हमको प्राप्त होने लग गया। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर क्या चीज पड़ने लगी, जो केमिकली थे, है ना, केमिकली जो कृषि करी जा रही थी वो महंगी पड़ रही थी, जिसके कारण हमने यहाँ पे क्या किया, अनुवांशिक वही जेनेटिकली मॉडिफाइड रूपांतरित जीव, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीव यहाँ पर हमने डेवलप करे, जो अच्छे से क्या कर रहे थे, किसी भी मतलब कुछ ऐसे कीट वगैरह भी हमने डेवलप करे थे जो खतपतवार को नष्ट कर दे रहे थे, ना, या दूसरे प्रकार के कीटों को नष्ट करने के लिए हम यहाँ पे उनका उपयोग कर रहे थे, है ना। इसी में अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को ही क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रूप से या परजीनी
परजीनी जीव भी बोलते हैं ना, परजीनी जीव और अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव एक ही बात होती है, क्योंकि इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे जीव को यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर करने के बाद में वो जीव के अंदर में हमने जो जीन प्रतिस्थापित किया वही लक्षण हमको दिखाई देने लग जाता है ना। चलो फिर यहाँ पे आता है कृषि के क्षेत्र में दूसरी चीज है कि कैसे, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, प्रतिरोधी कीट पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण कर रहे थे ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना, पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण कर रहे थे। और इसमें बीटी प्रकार का एक जैव विष होता है ना, बीटी प्रकार का एक जैव विष होता है जिसे बेसिलस थुरिंजेंसिस भी कहते हैं, और शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, बीटी है ना। तो यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं और उसमें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर रहे हैं, और जो बेसिलस थुरिंजेंसिस है, बेसिलस थुरिंजेंसिस याद रखना है यहाँ पे, जो बीटी टॉक्सिन है वो किससे प्राप्त होता है, यहाँ पे बेसिलस थुरिंजेंसिस के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, बीटी बोल दे रहे हैं ना। अब ये जो जीव रहता है इसके अंदर में जो ये यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिक है उसको जो कोट करने वाले जो जीन है उसको जीवाणु से हम बाहर निकाल ले रहे हैं और उसको फसलों के अंदर में प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। जब प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं तो वो जो फसल है जब उसमें अभिव्यक्ति होती है, हमने नियमन और अभिव्यक्ति बोला था है ना, तो नियमन और अभिव्यक्ति में क्या हो रहा था, कोई जीन अपने आप को प्रदर्शित करता है, अभिव्यक्त करता है ना, तो जब उसकी अभिव्यक्ति होती है तो फिर क्या होता है, उस पौधे के अंदर में ही वो जो बीटी टॉक्सिक मटेरियल है या जो बीटी विष है उसका निर्माण होने लग जाता है, और वो जो पौधा है वो पीड़क या कीट प्रतिरोधी बन जाता है ना, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इस तरह से बनाए गए जो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको हम यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड्स बोलते हैं ना, बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं। यहाँ पे हम फिर कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे कि कैसे, तो बीटी कपास हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, टमाटर, आलू, सोयाबीन है ना, इतनी यहाँ पे फसलें और भी दूसरी भी फसलें हैं जो तैयार करी गई है किसके द्वारा, ये बीटी जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जिसके कारण उसके अंदर में बीटी टॉक्सिक बनने लगा और वो कीट प्रतिरोधी बन गई है ना। और भी अगर हम दूसरे प्रकार की देखें तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें है ना। चलो फिर यहाँ पे बारी आती है बीटी कपास की, तो बीटी कपास में क्या चीज हो रही है, बेसिलस थुरिंजेंसिस क्या के द्वारा जो जीन थे उसको हमने निकाल के उस पौधे में कर दिए, तो वो एक विषैली प्रोटीन बना रहा था, और ये प्रोटीन कैसे रहती है, क्रिस्टलीकृत रहती है, विषैली रहती है और क्षारीय रहती है ना। तो इसका प्रभाव कैसे होता है, जो तंबाकू के अंदर तंबाकू का वुड वॉर्म रहता है, आर्मी वॉर्म रहता है, इनको नष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ना। वहीं पे मक्खी मच्छर और जो लैपिडोप्टेरा है, डिप्टीटोरा है, इस वर्ग उपवर्ग के जो कीट है उनको भी ये जो बीटी टॉक्सिन है या जो बीटी जो प्रोटीन बन रही है वो इन वर्गों के जीवों को भी नष्ट कर देती है। कैसे काम करती है ये, तो ये कैसा रहता है, क्षारीय रहता है ना, जो बीटी टॉक्सिन है वो क्रिस्टलीय प्रोटीन रहती है, साथ में कैसा रहता है, क्षारीय रहता है। तो जब ये कोई भी जीव उस पौधे को खा रहा है, क्योंकि पौधे के अंदर में क्या चीज हुआ था, हमने वो जीन को प्रतिस्थापित कर दिया था, अब प्रतिस्थापित कर दिया तो उसके शरीर में क्या बनने लगा था, बीटी टॉक्सिन वाली प्रोटीन बनने लगी। तो जब कोई कीट वगैरह खा रहा है तो वो क्षारीय है, अब जब उस कीट की मुंह में जा रहा है, लार में मिक्स हो रहा है, तो वहां पर वो क्या हो रहा है, उसके लार के साथ में क्रिया कर रहा है, और उसका जो आहार नाल है एसिड के जैसे काम करता है, उसकी जो आहार नाल रहती है उसको पूरा फाड़ देता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि ये नर्वस सिस्टम और मसल्स के ऊपर पैरालिसिस करता है, जिसके कारण में वो उसका मसल्स वगैरह श्वसन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है, पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है, उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण में उसके जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर पाते, जिसके कारण वो पैरालाइज होके या तो भी सांस लेने की दिक्कत से ही मर जाना है। अगर उसका आहार नाल अगर फट गया है तो वो भूख के कारण मर जाना है, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उसको फूड मटेरियल नहीं मिल रहा है ना। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पैरालाइज्ड हो गया है तो वो सांस वगैरह नहीं ले पाएगा, उसके कारण मर जाएगा। नर्वस सिस्टम अगर पूरा का पूरा पैरालाइज हो गया या नर्वस सिस्टम अगर खराब हो गया तो वो अच्छे से मूवमेंट्स वगैरह नहीं कर पाएगा, दूसरी जगह वगैरह पे नहीं जाएगा, दूसरे बॉडी के ऑर्गनों पे कंट्रोल नहीं रख पाएगा, जिसके कारण उस जीव की मृत्यु हो जाना है। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना
ठीक है, दूसरी चीज इसी को क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन या क्राई क्रिस्टलीय प्रोटीन भी बोलते हैं ना, जो हम यहाँ पे बीटी टॉक्सिक बोल रहे हैं उसी को, है ना, क्राई प्रोटीन या क्राई प्रोटीन क्रिस्टलीय क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, या बीटी 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 विज भी बोलते हैं, बीटी प्रोटीन भी बोलते हैं, है ना, बीटी क्रिस्टलीय प्रोटीन, तो ये अलग अलग नाम है ना, यहाँ पे एक ही ये बीटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाना है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि क्राई प्रोटीन, क्राई दरअसल इसमें क्या है, क्राई एक जीन है ना, जो इस क्रिस्टलीय प्रोटीन के अंदर में होता है, जो विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है या विषैली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी रहता है, ठीक है, सर ये बीटी होता क्या? थोड़ा लेट आई थी, ये बीटी होता क्या है? बीटी बेटा बेसिलस थुरिंजेंसिस को शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, और इसी के द्वारा एक विषैली प्रोटीन बनाई जाती है जिसे हम बीटी विज बोलते हैं या बीटी टॉक्सिक बोलते हैं, या अगर हम उसको क्या थोड़ी सी अगर स्पेसिफाई करें तो उसको क्रिस्टलीय बीटी बीटी प्रोटीन भी बोलते हैं, या तो फिर क्राई क्रिस्टलीय प्रोटीन भी बोलते हैं, या क्रिस्टलीय क्राई प्रोटीन, या क्रिस्टलीय बीटी प्रोटीन, ये जितने भी नाम आते हैं यहाँ पे ये सबका मतलब एक ही चीज है ना, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी बताया था कि वो कहाँ हो रहा है, जीव उसको खा रहा है, खाने के बाद में लार ग्रंथि में जा रहा है, उसके इंडस्टाइन में जा रहा है, जहां पे वो उसके जो एंजाइम है पाचक एंजाइम उनके साथ में क्रिया कर रहा है, और क्रिया करके क्या कर दे रहा है, जो उसके अंदर में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है छोटी आंत के अंदर स्मॉल इंडस्टाइन के अंदर में, तो वो रिसेप्टर के द्वारा वो क्या होना है उसके बॉडी में दूसरी जगह फैल जाना है, और उस जीव की फिर कुछ देर बाद अलग अलग रीजनों से मृत्यु हो सकती है, हो सकता है नर्वस सिस्टम फेल हो जाए, मसल्स काम ना करे, या तो फिर उसको वो उसका बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज्ड हो जाए ना, और अगर ये फाड़ देगा, अगर वहां पे कोई टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है जो उसके आंत वगैरह को अगर फाड़ दे रहा है, तो वो पोषण वगैरह का या जो भी भोज्य पदार्थ खा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो लोग लेट आए हैं वो इसको शाम में यूट्यूब पे भी देख लेना, डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रहेंगी, बायोटेक्नोलॉजी का तो बहुत ज्यादा ही यूज है फिर से। चलो दूसरी चीज में यहाँ पे अभी जस्ट एक पीछे एक वर्ड आ रहा था, नहीं ये ठीक है आ रहा है, क्राई जो प्रोटीन होती है ना, जो प्रोटीन जीन होती है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, है ना, कूटबद्ध होते हैं, मतलब ये वाले यहाँ पे कोड रहते हैं, तो सबसे पहले हो रहा है यहाँ पे क्राई एसी, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे बॉल वॉर्म को नियंत्रित करता है ना, पहला वाला क्राई एसी बॉल वॉर्म को नियंत्रित करता है, जबकि दूसरा वाला जो जीन हो गया है वो क्या कर रहा है, मक्के के अंदर में जो छेदक रोग होता है, जो गड्ढे वाला हो जाता है, कॉर्न बोरर को नियंत्रित करता है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सर ये बॉल वॉर्म क्या होता है? वो बेटा क्या बोलना चाहिए, कृमि है जो जड़ों से नष्ट करने लग जाता है पौधों को, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। मक्के में क्या करता है बोले? मक्के के अंदर में जो छेदक रोग होता है, जो छेद छेद होने लग जाते हैं, उसको नियंत्रित करता है, उसके लिए जो भी यहाँ पे कीट वगैरह रहते हैं वो जब उसको खा रहे हैं तो वो क्राई प्रोटीन भी उसके अंदर में जा रही है, जिसके कारण वो जीव की मृत्यु हो जाना है, तो वो रोग नियंत्रित हो जाना है ना। सर ये लिखा है ना, जबकि क्राई वन ए बी मक्का के छेदक को, सर क्राई वन ए बी है, टू होना चाहिए ना, एक क्या है क्राई वन ए सी और एक क्राई टू ए बी, क्राई टू ए बी, क्राई सर यहाँ क्राई सर टू लिखाएगा ना, हाँ क्राई टू लिखाएगा, क्राई टू ए बी मक्के के छेदक रोग को, ठीक है ठीक है इतना। हाँ सर ठीक है ठीक है। दूसरी चीज में
यहाँ पे कुछ और भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं जिसके अंदर में हम ऐसे यहाँ पे कोई जीनों को प्रतिस्थापित करके हम उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे सेब हो गए, तो सेब के लिए क्या किया, उसके अंदर में यहाँ पे जीन प्रतिस्थापित कर दी जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कत्थाई नहीं हो रही थी, है ना। फिर मक्के से एथेनॉल एल्कोहल के उत्पादन को बढ़ाया गया, है ना। पपीता के अंदर में विषाणु के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करी गई। आलू के अंदर में स्टार्च की गुणवत्ता में सुधार किया गया। फिर बीटी कैरोटीन से समृद्ध, बीटी कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए, है ना, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं ना, तो गोल्डन राइस डेवलप करी गई है ना, और उसके अंदर में क्या रहती है, बीटी कैरोटीन रहती है, और वो विटामिन ए का स्रोत होता है ना। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में पीड़क प्रतिरोधी पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाए गए, है ना, ये पीड़क प्रतिरोधी पौधे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाए गए। तो इसके लिए क्या कह रहा है, जैसे अलग अलग प्रकार के जो कृमि वगैरह हो गए, निमेटो एलमेंटिस हो गए, प्लेटी एलमेंटिस हो गए, इनके प्रति क्या करेगा, जो जीन थे या जो प्रतिरोधकता थी वो उत्पन्न कराई गई, है ना। और इसमें सबसे मेन आता है मेलोइडी गाइना, मेलोइडी गाइना इकाइनोगानीटा, ठीक है, मेलो इडे गाइना इकाई नहीं इनको गाइनीटा, इनको गाइनीटा, मेलो इडे गाइना इनको गाइनीटा, है ना। इसके ये वाला जो कृमि था, ये तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर रहा था, तो उसकी उसमें चेंजेस कर दिए जिसके कारण वो ज्यादा ज्यादा मात्रा में उसको संक्रमित नहीं कर पा रहा था, या जो वो संक्रमण उत्पन्न कर रहा था वो नियंत्रित हो गए। ठीक है, चलो फिर अगली चीज आती है एग्रोबैक्टीरियम, है ना। तो एग्रोबैक्टीरियम जो जीव यहाँ पर था उसमें क्या चीज हो रही थी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, है ना, क्या कर रहा था, कोई बताएगा। दर्द पादपों में वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के सहायता से हम क्या कर रहे थे, जो भी जीन है उसको दूसरे पौधे के अंदर में प्रतिस्थापित करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होता है, और हाँ ये चीज याद रखना है, इसको प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं ना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को, क्योंकि ये क्या करता है, बिना कोई चेंजेस करे या बिना किसी चीज का उपयोग करे या कोई बाहरी कृत्रिम चीजों का उपयोग करे ही क्या करता है, अपने जीन को पौधे के अंदर में ट्रांसफर कर देता है। और ट्रांसफर करने के बाद में जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, एक बड़ी सी प्रोसेस कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ले रहे थे, फिर एक वेक्टर ले रहे थे, फिर रिकम्बाइंड डीएनए बना रहे थे, फिर उसको ट्रांसफर कर रहे थे, फिर उसकी अभिव्यक्ति हो रही थी किसी जीन की, है ना। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या करता है, जो भी जीन वगैरह है उसको दरअसल जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो प्रोटीन वो खुद से नहीं बना पाता है ज्यादा मात्रा में, तो वो क्या करता है, पौधे के अंदर में अपनी उस जीन को पौधे की सेल में ट्रांसफर कर देता है। जब ट्रांसफर कर दे रहा है तो वहां की जो पौधे की या जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है वो उसके साथ में रिकम्बाइंड डीएनए बना लेता है, और पौधा फिर जब उसका संश्लेषण कर रहा है, जब उसकी अभिव्यक्ति करता है, तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को जो प्रोटीन चाहिए होती है उसका भी निर्माण होने लगता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या करता है, उससे वहां से वो प्रोटीन लेने लग जाता है। साथ में दूसरी चीज ये होती है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये क्या करता है, पौधे के अंदर में ट्यूमर उत्पन्न कर देता है। तो क्यों, क्योंकि वो जब अपना जीन प्रतिस्थापित करता है तो पौधे की वो जो कोशिका रहती है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वृद्धि करने लग जाती है, जिसके कारण उस पर कुछ गांठ जैसी बनने लग जाती है ना। यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पे इसमें कैसे हो रही है, यहाँ कुछ गांठें बन जा रही है ना। या हमने कभी जब कुछ पौधों के अंदर में देखा है, जब वहां पे जब अपना अनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर करता है तो ऐसी छोटी छोटी पत्ती वगैरह के ऊपर गांठ आ जाती है, पत्ती पे आ जाती है, तने पे आ जाती है। तो वो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से अपना वहां पे डीएसआरएनए। दूसरी चीज ये भी याद रखना है कि इसके अंदर में क्या रहता है, डीएसआरएनए, कोई बताएगा डीएसआरएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए।
तो डबल स्ट्रैंड आरएनए उसको प्रतिस्थापित करता है, जोड़ देता है, जिसके कारण कोशिकाएं वहां जल्दी जल्दी वृद्धि करने लगती है और वो प्रोटीन का निर्माण करने लगती है। लेकिन प्रोटीन के निर्माण के साथ साथ में क्या हो जाता है, यहाँ पर वो पौधे के अंदर में ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है। तो इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, जो ट्यूमर उत्पन्न करने वाली जीन है उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं, और अलग करने के बाद में उसको हम यहाँ पे ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में पौधों के अंदर में कोई भी जीन को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। सर आपने क्या बताया था, एग्रोबैक्टीरियम प्राकृतिक क्या है, जेनेटिक इंजीनियर है, प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर। कैसे दो दिन के अंदर उत्पन्न करा उसको दूसरे में ना लाना। देखो प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर क्यों बोल रहे हैं उसको बेटा, देखो उसमें क्या चीज हो रही है कि हमको, हमने बायोटेक्नोलॉजी में लंबी सी प्रोसेस चली थी है ना, कि पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे हमको एक वेक्टर चाहिए, उसके बाद एक सेल चाहिए, फिर उसका संवर्धन करना है, रिकम्बाइंड डीएनए बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है वो इतना कुछ नहीं करता है ना, उसके बाद सारी चीजें होती है, वो सीधे क्या कर देता है, अंदर जाता है, अपना आरएनए छोड़ता है, अपने जीन छोड़ता है और उसको पौधे की कोशिका के साथ में जोड़ देता है। जुड़ गया तो फिर उसको जो प्रोटीन चाहिए उसका निर्माण होने लग जाता है, तो उसको इतनी लंबी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ रहा, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है। चलो अब अगली बारी आती है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे अलग अलग प्रकार की टेस्ट किट बनाने में, अलग अलग प्रकार के सीरोलॉजिकल टेस्ट को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं है ना। सबसे मेन चीज इसमें आई थी कि अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन का निर्माण किया गया था है ना। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का कार्य बताओ। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह। लेकिन कौन सा डायबिटीज, कौन सा डायबिटीज, डायबिटीज मेडिटस हो जाता है। कौन सा, मधुमेह रोग। लेकिन कौन सा डायबिटीज भाई, डायबिटीज में भी टू है, दो टाइप है, टाइप वन और टाइप टू है। एक मेडिटस है और एक और मलाइटस है, डायबिटीज मलाइटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस है ना, डायबिटीज मलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज मलाइटस है ना। सर उसको मलाइटस बोलते हैं, मेडिटस नहीं है ना, स्पेलिंग देखो बेटा, मलाइटस है, मलाइटस है ना। ठीक है, तो इसमें क्या चीज हो रही है, इंसुलिन का निर्माण कम हो जाता है जिसके कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे बढ़ने लग जाती है ना। अब इंसुलिन की बारी आती है, तो इंसुलिन के लिए हमको याद रखना है कि इंसुलिन ये क्या रहता है, एक प्रो इंसुलिन रहता है। प्रो इंसुलिन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर में यहाँ पे तीन चेन उपस्थित रहती है, ए और बी और एक चेन रहती है सी। और प्रो इंसुलिन या प्रो एंजाइम का मतलब ये होता है कि ये पहले से सक्रिय नहीं रहता है। जब इसके साथ में यहाँ पे जो हमारे शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है वो कैसा रहता है, प्रो इंसुलिन रहता है। जब इसके साथ में एचसीएल क्रिया करता है तो यहाँ पे ये जो सी पेप्टाइड दिख रही है ना, ये जो सी पेप्टाइड दिख रही है ये क्या होती है, ये यहाँ से ए और बी के साथ से हट जाती है, तो ये फिर सक्रिय इंसुलिन में बदल जाता है और ये विघटित हो जाती है ना। तो जब तक ये अग्नाशय से, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है कि जो मानव में इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन बनता है और असक्रिय रहता है ना, असक्रिय रहता है। जब इसके साथ में एचसीएल मिलता है तो वो क्या होता है, सक्रिय होता है। और जब सक्रिय इंसुलिन रहता है उसमें दो ही पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है, ए और बी, और दोनों क्या रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, ये है ना। यहां से लेके यहां तक क्या हो गई, ये बी चेन हो गई, और यहाँ नहीं ए चेन होगी, और ये वाली जो दिख रही है एक से लेके यहाँ 30 तक ये क्या होगी, बी चेन होगी। अब दूसरी चीज आती है कि यहाँ पे जो इंसुलिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तीन चेन है, टोटल कितनी है, तीन। अब वो पूछेगा कि सक्रिय में कितनी है, तो सक्रिय में सिर्फ दो है, है ना। प्रो में कितनी है, तीन है, ये वाली सी है ना। अब यहाँ पर वो पूछेगा कि एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर में या एक इंसुलिन के अंदर में यहाँ पे कितने यहाँ पे
एमिनो अम्ल होते हैं है ना, या कितने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं है ना, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अच्छे से याद रखना, ए चेन के अंदर में 21 होते हैं और बी चेन के अंदर में 30 होते हैं, ठीक है, 21 और 30 51, टोटल इंसुलिन में 51 हो रहा है, लेकिन कंडीशन याद रखना, अगर उसने बोला सक्रिय में कितने होते हैं, टोटल अगर नंबर दे दिया तो 51, ए बी की अगर नंबर दे दिए तो ए में 21 और बी में 30, अगर उसने बोल दिया कि निष्क्रिय में या प्रो इंसुलिन में कितने होते हैं है ना, तो प्रो इंसुलिन में यहाँ पे 63 और प्लस कर देना है, ठीक है बेटा। प्रो इंसुलिन में 63 होते हैं? नहीं बेटा, ये 51 और 63 जोड़ना पड़ेगा, मतलब वो 4, 5, 11 114 है ना, 114 ही होता है ना, 6, 5, 11 हाँ 114, ठीक है याद रहेगा, ठीक है। yes, sir. दूसरी चीज सर एक बार रिपीट कर दीजिए, जो इंसुलिन की ए चेन है उसके अंदर में 21 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं है ना, या एमिनो अम्ल होते हैं, उसके बाद में जो बी चेन है उसके अंदर में 30 होते हैं, ठीक है, और सी के अंदर में 63 होते हैं, और टोटल हो जाते हैं 114। सर आपने बताया जो एक्टिव था सक्रिय में कितनी चेन होती हैं? दो चेन, 51 हाँ, दो चेन होती है, ए और बी होती है सक्रिय में, सी हट जाती है बेटा, और प्रो इंसुलिन में कितनी? प्रो में 3 होती है, ए बी सी। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्रम था, ये क्रम सबसे पहले फ्रेडरिक सैंगर, फ्रेडरिक सैंगर है ना, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो ए चेन हो गई, ए यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए और बी चेन जुड़ी हुई है, तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसके अंदर में जो ए चेन रहती है उसमें 7वें और 20वें स्थान पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, 7वें और 20वें स्थान पे, ठीक है। और जो बी चेन हो गई उसमें यहाँ पे 7वें और 18वें स्थान पे, 7वें और 19वें स्थान पे होता है, ठीक है, ठीक है। अब नीचे साइड में यहां पर देखो तो यहां पर क्या चीज हो रही है, ग्लाइसिन है ना, और इधर बी चेन में क्या हो रहा है, साइनिन है ना, ये उपस्थित रहते हैं, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी ग्लाइसिन और साइनिन उपस्थित होते हैं जिसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें यहीं से याद रखना है, ठीक है, इतना ठीक है सर? रिपीट सर बेटा, ये सिस्टीन और ग्लाइसिन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और इधर में ग्लाइसिन और सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। उसमें रहे हैं, पैसे रखने ले जाना, मत ले जाओ बेटा, अपने फैमिली वालों से दूर रहो। अरे यही वाला ले जाना, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया इंसुलिन है ना, अब इंसुलिन के लिए दूसरी चीजें जो याद रखने वाली है कि यहाँ पर इसको सबसे पहले किसने बनाया था, कोई बताएगा? सबसे पहले इसको औद्योगिक रूप से उत्पादन किसने किया था? औद्योगिक रूप से उसका उत्पादन 1983 में एली लीली कंपनी द्वारा, अमेरिकन कंपनी थी, और ये एली और लीली ये दोनों क्या थे, भाई थे, इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे इंसुलिन बनाया था है ना। और जो पहले, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पहले के टाइम में इंसुलिन बनाया जाता था वो किसी भी स्तनधारी के अग्नाशय से लिया जाता था, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, सुअर हो गया ना, अधिकतर सुअर के अग्नाशय से इंसुलिन लिया जाता था, लेकिन फिर इसका
प्रयोग क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, जब हम वहां पे दूसरे कोई एनिमल्स के पैनक्रियास से इंसुलिन को ले रहे थे तो उसके अंदर में हो सकता है कोई यहाँ पे डिसीज हो, कम्युनिकेबल डिसीज हो, तो वो डिसीज क्या हो रही थी ह्यूमन के अंदर भी आ रही थी। दूसरी चीज ये हो रही थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह में या पेप्टाइड चेनों में, तो जब वो इंसुलिन मानव के शरीर में आ रहा था तो वो कुछ कुछ ह्यूमन के अंदर में रिएक्शंस उत्पन्न कर दे रहा था जिसके कारण व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डिसीज उत्पन्न हो जा रही थी। इसीलिए अभी अभी जो इंसुलिन यूज करते हैं वो ऐसे यहाँ पे कृत्रिम रूप से जो बना रहा है उस इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, ना कि दूसरे एनिमल से लिया गया इंसुलिन। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। हाँ सर, सर एफ सेंगर ने इसकी खोज की। हाँ, उनने सबसे पहले इस प्रोटीन के अमीनो अम्लों के बारे में जानकारी दी थी। सांगेर है वो, सांगेर मतलब। ठीक है, हाँ सर ठीक है, चलो ठीक है, इतना ठीक है। अगले वाले सेशन में इसके आगे का वो करते हैं, जब तक इस पे कहीं पे कोई डाउट है तो बता दो, है ना, मतलब तब तक इस पे कोई डाउट है तो वो चीजें ढूंढ कर रख लो, है ना। हाँ सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट इसमें 10 मिनट बाद कनेक्ट करो, है ना। आज वैसे काफी कम लोग हैं।